एक्सप्रेस में हुई प्रसूता की डिलीवरी। वार्ड क्रमांक 11 की निवासी महिला को स्वास्थ्य केंद्र राधोगढ़ में दिखाया गया, जहां उसे रेफर कर दिया गया। रेफर करने के बाद महिला की रास्ते में जननी एक्सप्रेस में ही नॉर्मल डिलीवरी हो गई। अब ये सोचने वाली बात है कि ऐसा क्या कारण रहा होगा कि महिला को गंभीर बताकर गुना रेफर कर दिया गया। अब तो ये रेफर करने वाली डॉक्टर ही जानकारी दे पाएंगी कि किस कारण से महिला को गुना रेफर किया गया। ये ऐसा कोई पहला केस नहीं है कि महिलाओं को ऐसे रेफर किया गया हो। अभी कुछ दिन पूर्व भी ऐसा एक केस देखने को मिला था, जहां महिला को ऑपरेशन के लिए बोला गया लेकिन बाद में उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो गई। जब इसकी शिकायत प्रसूताओं के घर वाले अधिकारियों से करते हैं तो वह जांच की कहकर अपना पल्ला झाड़ देते हैं और जांच ठंडे बस्ते में चली जाती है। अब देखने लायक होगा कि इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। क्या है, लड़का है लड़की है? क्यों भाई, अरे क्या है, लड़का है लड़की है? ले आओ ले आओ अंदर ले आओ। देखो डिलीवरी हो गई है अंदर, तो मैं भी नहीं देख सकता हूँ। अच्छा अंदर हो गई गाड़ी में डिलीवरी हो गई। तो कहाँ से लेके आए हो? रास्ते में नहीं हूँ, यहाँ पहुँचते हुए। नहीं, आप कहाँ से लेके आए हो? सीएससी रावगढ़ से। आप किसी गांव से लेके आए हो? ये लोकल रावगढ़ वार्ड नंबर 11 का केस है, रावगढ़ से रेफर किया है डीएच गुना के लिए। वहाँ पे नहीं गए उन्होंने? नहीं, वहाँ से कल भी रेफर कर दिया था इनको, लेकिन जब वापस रिटर्न घर चले गए इन्हीं को। हाँ,